नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में शुएब शाहीन साहब ने तहकीकी इंकशाफात किए हैं जनाब सदर आरिफ अरबी साहब के हवाले से, क्या वो वाकई मुस्ताफी हो रहे हैं? देखिए इस वीडियो में कि उनके स्टाफ ने इन मामलों को आगे पीछे किया है, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। और पब्लिक में और मीडिया में वकार साहब को का खदशा यकीनन दुरुस्त है। ये इमेज जाता है कि जैसे उन्होंने ये दो नंबरी की है, और आपको पता है कि जब इस किस्म का इल्ज़ाम लग जाए तो सिर्फ फ़र्द की नहीं बल्कि उसके सारे ख़ानदान की जो ट्रोलिंग होती है उसका तो आप हिसाब दे ही नहीं सकते। ये सदर मुमलिकत के ऑफिस का मामला है, ये पाकिस्तान के सिपा सालार सुप्रीम कमांडर ऑफ दी आर्म फोर्सेस का मामला है, ये सिंबल ऑफ द फेडरेशन का मामला है, सदर अलवी का मामला नहीं, उनके ऑफिस का मामला है। उनके ऑफिस में बैठ के अलवी साहब ये बातें कैसे कर सकते हैं, कौन सच्चा है कौन झूठा है? हमारे पास जमाल शाह साहब मौजूद हैं, निगरान वफाकी वजीर बराए सकाफत व कौमी वरसा, उनका बहुत शुक्रिया उन्होंने ज्वाइन किया। जायद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से, उनका बहुत शुक्रिया। हमारे पास शुएब शाहीन साहब हैं, रुकन पीटीआई कोर कमेटी वकील, आपका बहुत शुक्रिया। और मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, आपका बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग वीडियो मुसद्दिक, अब ये जो वकार साहब की तरफ से आ गया एक डॉक्यूमेंट जो अब हमारे हाथ में है, जिसमें वो क्लियरली कह रहे हैं कि जी मैंने तो फाइल आगे भिजवा दी थी, अब हिज वर्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट्स ट्वीट, इसका रेजोल्यूशन क्या होगा? पहले इस पर रिफ्लेक्ट करते हैं फिर बात को चलाते हैं। मैंने कहा आपका प्रोग्राम शुरू हो रहा है तो किसी प्रोवोकेटिव बात से करता हूँ, मेरे दोस्त सामने बैठे हैं तो मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी स्पारिंग हो जाए। देखिए मुझे तो ऐसे लगता है कि सदर पाकिस्तान ने, और मैं बड़ी मुअद्दबाना ये बात करने लगा हूँ, उन्होंने आइन को पामाल किया है। आइन बड़ी वाज़े शक्ल में उनको ये हक ही नहीं देता कि वो किसी बिल को रिजेक्ट कर सकें। आइन उनको सिर्फ दो हकूक़ देता है, या तो वो उसकी तायीद कर दें यानी उसे मान लें, उसको कानून बना दें, या असेंबली के पास वापस भेज दें। आइन उनको किसी भी जगह पे ये नहीं कहता कि सुमन बुकमन उमियों, कि ना तो मैं इसके ऊपर लिखूंगा कि मैं इसको वापस भेजता हूं और इस बुनियाद पे भेजता हूं, उसकी बुनियाद भी लिखना ज़रूरी, और ना मैं इसको कहता हूं कि हाँ इसकी ताईद करता हूं, इसको एसेंट देता हूं और इसको मुल्क का कानून बनाता हूं, मुअल्लक रखूं इसको। अगर आप ये बात मान लें कि उन्होंने ऐसा किया है, जो उन्होंने किया वो खुद से कह रहे हैं कि मैंने किया, मैंने नहीं लिखा, फाइल पर कुछ नहीं लिखा, फाइल खाली पड़ी है, ये मैं आपको हतमी तौर पर बता रहा हूं कि फाइल के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। और एक और बात मैं हतमी तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि 16-17 जो उन्होंने कवानीन जिन पे उन्होंने एतराज लगाया है, हर जगह के ऊपर उन्होंने लिखा है, ऐसा नहीं कि कहीं भी नहीं लिखा, हर जगह पे लिखा है कि ये वजूहात हैं जिसकी वजह से या मैं पूरा बिल वापस कर रहा हूं या इसके अंदर ये तरामीम मांग रहा हूं। तो उन्होंने दो बिल अपने रख दिए मेज पर और कहा कि मैं पूरी पार्लियामान की जो आइन साजी की और कानून साजी की ताकत है उसको पामाल करता हूं। यानी अगर वो चाहें, अगर ये बात जो मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूं इसको आगे बढ़ाएं, तो 5 साल तक सदर अगर हर आने वाले बिल पे ना हां करे ना ना करे, ना वापस करे और ना असेंट करे, तो पूरे मुल्क की आइन साजी और कानून साजी जो है वो पैरालाइज हो जाती। ये सदर साहब ने किया है, मैं समझता हूं कि उन्होंने आइन को पामाल किया है, और अगर कोई चाहे पार्लियामान तो उनका मुआखजा कर सकती। तो शाहीन साहब, ये जो अब उनके सेक्रेटरी की तरफ से जवाब आ गया है, उन्होंने डिटेल से बताया ना, टिपिकल प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेटिक वे, मैं नोट को पढ़ रहा था, उन्होंने बताया जी कि डायरी नंबर कौन सा है, मैंने नोट क्या लिखा है, प्रेसिडेंट साहब की तरफ से क्या है, अब ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ज़रा इसका जवाब दीजिएगा। तो अगर प्रेसिडेंट साहब की बात मान ली जाए और उस बिल को या उन बिल्स को मुअल्लक रखा जाए, तो प्रेसिडेंट साहब टेक्निकली लेजिस्लेशन होने ही नहीं दे सकते ना, वो तो फिर मुअल्लक ही रखेंगे। नहीं, दो बातें हैं, एक देखिए आर्टिकल 75(1) है, आर्टिकल 75(2) और 3 है। आर्टिकल 75(1) में फ़र्ज कर लेते हैं कि जो फरमा रहे हैं ना कि 5 साल के लिए रखे रखा, उसका तरीका है मसलन कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर के लिए अप्रूवल लेनी है प्राइम मिनिस्टर को। एक वाचिंग, आप लोगों ने तलत हुसैन साहब का प्रोग्राम सुना और इसमें शुएब शाहीन साहब जो कि सीनियर कानूनदान हैं उन्होंने अपना तज्जिया पेश किया सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से, और उन्होंने शेख शाहीन साहब ने वाज़े तौर पे कहा है कि सदर आरिफ अलवी साहब ने कोई ऐसी गैर कानूनी काम नहीं किया, उन्होंने वाज़े तौर पे एक अपना ट्वीट के ज़रिए अपना मौक़िफ़ पेश किया। शेख शाहीन बड़े ही सीनियर कानूनदान हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के साबिका सदर हैं, और अपना मौक़िफ़ वाज़े तौर पर देते हैं और इनका शुमार बड़े ही सीनियर लोगों में किया जाता है, और
जैसा कि आपको मैंने बताया कि आजकल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, इमरान खान साहब के मुकदमात को भी लड़ रहे हैं। और जो सूरत हाल अभी चल रही है उसमें दो चीज़ें नाज़रीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुई हैं। नंबर एक तो सदर आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है कि आप जो है तारीख के लिए, इलेक्शन की तारीख के लिए मुझसे मुशावरत करें, क्योंकि उन्होंने लिखा वाज़े तौर पे ख़त में कि 9 अगस्त को मैंने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मैंने समरी को साइन किया है, असम्बली डिसॉल्व की है, तो इसलिए मुझे मुशावरत करें, फिर इलेक्शन की तारीख देना मेरा काम है। सदर साहब जो हैं वो तारीख देने के पाबंद हैं, 90 दिन के अंदर इनकाद होना बहुत ज़रूरी है। और इस बिना पर उन्होंने बड़ा ही इम्पोर्टेंट ख़त लिखा, सारा दिन मीडिया पर इसी टॉपिक पर बात होती रही है। और दूसरी जानब जो इम्पोर्टेंट चीज़ सामने आई है वो यही आई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो राजा साहब हैं उन्होंने वाज़े तौर पर तमाम सियासी जमातों को मुशावरत के लिए बुला लिया है, उनको खत लिख दिए हैं। और सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और सबसे पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ख़त लिखा है और 25 तारीख को उनको बुलाया है ताकि हमें मशावरत करें। वो या वो नहीं होंगे तो उनसे जूनियर कोई भी होगा, अभी तो ना तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब बाहर हैं, ना ही वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, कुरैशी साहब जो बाहर हैं वो भी अभी तक जेल में हैं। तो साइफर के इश्यूज़ पर वो तहकीकात का सामना कर रहे हैं और इसीलिए अब उनसे जो जूनियर होगा वो अब मशावरत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेगा। तो ऐसे सूरत हाल जो है काफ़ी नज़र आ रही है पचीदा, और कुछ अच्छे मामलात भी होते हुए नज़र भी आ रहे हैं, जैसे कि इमरान खान साहब की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की तोशाखाना केस के हवाले से। तो उसमें वाज़े तौर पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने काफ़ी इलेक्शन कमीशन के वकील के ऊपर बरहमी का इजहार किया कि आपने इमरान खान को इंसाफ फराहम नहीं किया, ना ही उसको इंसाफ फराहम करने दिया गया। जो इलेक्शन कमीशन का वकील हैं उन्होंने मौक़ अपनाया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ उनके लिए प्लेटफॉर्म मौजूद है और इंसाफ के तमाम प्लेटफॉर्म उनके सामने मौजूद हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को देखा जाए तो अभी तक कोई इंसाफ का प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं हुआ, क्योंकि जब उन्होंने अपील की जो सेशन जज के थे हमायूं दिलावर साहब उनके सामने कि उनको गवाहान पेश करने दिया जाए, तो उन्होंने उनको मुस्तर्द किया, तो इस बिना पर वो काफ़ी एक मामला पचीदा हो गए। और जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील दायर की तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील की जानिब से ख्वाजा हारिस साहब की जानिब से कि हमें सुना जाए उसके बाद फैसला दिया जाए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 7 दिन के अंदर फैसला करने की हदायत जारी की। जैसे हदायत जारी हुई उससे अगले दिन ही फैसला सुना दिया गया, जो कि बहुत जल्दबाजी का फैसला लगता है। और इस बिना पर यह भी मौक़ जो लतीफ़ खोसा साहब हैं सीनियर वकील हैं और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के वकील हैं आजकल, तो उन्होंने वहाँ पर बड़े दबंग किस्म के दलाइल दिए और काफ़ी मुतमईन किया चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को और बाकी दो मौजूद जजेज हैं, जिसमें जस्टिस माफ़ कीजिएगा जनाब जस्टिस मंदोखेल साहब हैं और जमाल मंदोखेल, और दूसरे जनाब जस्टिस नकवी साहब हैं मज़ाहिर अली नकवी। तो उनके सामने भी काफ़ी उनको दलाइल के ज़रिए उन्होंने मुतमईन किया। अब देखते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है 2 से 3 दिनों के अंदर इमरान खान साहब जो हैं बाहर होंगे इंशाल्लाह ताला। तो और उनके जो जैसे ट्रायल जल्दी में हुआ है ऐसे ही इंशाल्लाह ये फैसला भी कलदम हो जाएगा। और नवाज शरीफ साहब का पैगाम भी आया, आपने सुना भी होगा, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जैसे मुझे तमाम जजेस दीवार के साथ लगाने पर लगे हुए थे और अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बचाने पर लगे हुए हैं। चीफ जस्टिस साहब के ऊपर काफ़ी नुक्ताचीनी की, उन्होंने तनकीद का निशाना चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को बनाया। तो अब देखते हैं आने वाले वक्त में, उम्मीद अच्छे की रखें इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। इमरान खान साहब के लिए दुआ कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।